ये मछली भी ले लिया, इसको हम बंगला जो हमने हाफ फ्राई किया है इसको। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम बनाएंगे मछली की रेसिपी। इसके लिए हमने ले लिया ताज़ा रोहू मछली बड़े से साइज में, करीबन ये 1 किलो 200 ग्राम का है। और इसी के साथ ये मछली भी ले लिया, इसको हम बंगला में चेला मास बोलते हैं। और आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, खाने में बहुत स्वादिष्ट है दोस्तों। इसी के साथ हमने सारा आइटम ले लिया, इसी के साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा मिर्चा, धनिया, मसाले वगैरह भी ले लिया, जीरा पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, तेज़पत्ता, मिर्चा पाउडर, हल्दी, जीरा। और इसी के साथ दोस्तों काजू की ग्रेवी बनेगा, आज बनेगा एकदम यूनिक तरीके से, जो खाने में स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी होता है। आज इसको बनाते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम इसकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं, सफाई वगैरह करके इन मछली की। बहुत ही सॉलिड ताज़ा मछली है दोस्तों, आज बनाएंगे यूनिक तरीके से एकदम सॉलिड। तो करते हैं इसकी कटिंग वगैरह। दोस्तों हमारा कटिंग वगैरह हो गया, फिश मछली रोहू मछली को हमने अच्छे से काट के साफ कर लिया है। अब बनाते हैं अपने रेसिपी, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कढ़ाई हमने बैठा लिया है, अब डाल रहे इसमें से थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसी तेल में दोस्तों हम इसको हाफ फ्राई कर लेंगे, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरा मिर्चा। दोस्तों इसको हाफ फ्राई करेंगे तेल में डाल के। इसको थोड़ा सा हाफ फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको हाफ फ्राई करके मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे दोस्तों। इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे से, इसको फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये काजू, इसको भी हम हाफ फ्राई कर लेंगे। ये डाल दिया काजू, इसको भी थोड़ा मिला के हाफ फ्राई कर लेंगे तेल के साथ। हाफ फ्राई हो गया है, अब हम गैस के फ्लेम को करेंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों जब तक ये ठंडा होगा, जो हमने हाफ फ्राई किया है इसको ग्राइंड करेंगे, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये डाल दिया तेल, तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों हमने अपने मछली को अच्छे से हल्दी के साथ मैरिनेट कर लिया है, इसको तेल में फ्राई करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मछली को इसमें फ्राई कर लेते हैं। हमारा मछली अच्छे से भून रहा है दोस्तों बहुत ही मस्त फ्राई हो रहा है हमारा मछली। देखिए गोल्डन कलर हो चुका है, इसको आप थोड़ी देर हम भून लेंगे। दोस्तों मछली हमारा भून गया है, इसे उठा लेते हैं तेल से। मछली फाइनली दोस्तों मछली हमारा फ्राई हो चुका है, देखिए क्या मस्त मछली फ्राई हुआ है। अब दोस्तों जो मछली फ्राई करके तेल बचा था, इसी तेल में हम पेस्ट को डालेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया पेस्ट को, जो हाफ फ्राई किए थे प्याज, अदरक, लहसुन को, टमाटर को, इसी तेल में डाल के हम मसाले को अच्छे से पका के फिर बनाएंगे अपना रेसिपी। दोस्तों मसाला वगैरह ले लिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरा, दो साबुत मिर्चा, आते डालेंगे तेज पत्ता। इसको फ्राई कर लेते हैं, फ्राई हो चुका है दोस्तों हमारा। डालेंगे पेस्ट। दोस्तों पेस्ट डाल दिया और साथ दोस्तों इसमें थोड़ा पानी मिला के हम बाद में यूज कर लेंगे। इसको दोस्तों अच्छे से मिला लेंगे हम। इसको थोड़ी देर भून लेंगे, फिर डालेंगे हम इसमें अपना मसाला। दोस्तों प्याज हमारा भून रहा है, इसी बीच हम डाल देंगे अपना ये सारे मसाले, ये जीरा धनिया पाउडर, लाल मिर्चा और हल्दी। फिर दोस्तों इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो भी अच्छे से मिला लेंगे।
दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो मसाला पेस्ट बनाया था उसी का थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मिला लेंगे ताकि मसाला हमारे नीचे से ना लग जाए। दोस्तों मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, देखिए ये साइडों से तेल भी रिलीज कर रहा है। अब इस पर हम डालेंगे पानी। दोस्तों पानी डाल दिया, अब इस पानी को थोड़ा खोला लेंगे हम और साथ ही इसको बस कुछ देर के लिए ढक देंगे। दोस्तों हमने पानी डाल के ढक दिया था, ये हमारा मसाला पक गया है एकदम अच्छे से। जो पानी डाला था उसको भी हमने अच्छे से मसाले के साथ थोड़ा कम कर लिया। अब फाइनली दोस्तों मछली जाएगा तरी में ग्रेवी के साथ। अब इसको अच्छे से नहलाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। इसको अच्छे से मिला लेंगे और एक उबाल आने तक दोस्तों इसको हाई रखेंगे फ्लेम को और बाद में इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। दोस्तों उबाल हमारा आ चुका है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा गरम मसाला। अब इसको मिला के दोस्तों थोड़ा सा हल्के हाथों से मिला के इसको हम ढक देंगे। दोस्तों 5 मिनट हो गया, अब हम ढक्कन को उतारते हैं। दोस्तों मछली हमारा बनके हो गया तैयार, अब इस पर डालेंगे हम कटे हुए धनिया के पत्ते। देखिए दोस्तों कितना शानदार बना है मछली। अब गैस को करेंगे बंद, 5 मिनट के लिए हमने गैस को कर दिया बंद। इसको ढक देंगे ताकि धनिया का जो खुशबू है वो मछली के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। उसके बाद हम इसे ठंडा करके थोड़ा चख के देखेंगे कैसा बना हमारा मछली। दोस्तों बनकर तैयार हो चुका है मछली, अब बारी है इसको थोड़ा इसका स्वाद लेने की, चेक करने की। आय हाय देखिए दोस्तों क्या मस्ती बनाए, मजा आएगा खाने में। दोस्तों ये है इसको थोड़ा, अब उठा लेते दोस्तों थोड़ा तल। दोस्तों फाइनली ये परोस गया प्लेट में मस्त मछली। दोस्तों ये है इसकी ग्रेवी, देखते चेक करके। मस्त बनाए दोस्तों, मस्त 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 बनाए। काजू का जो निराला स्वाद है, फिश रोहू मछली। आए हाय सुपर। दोस्तों काटा है फर्क नहीं पड़ता, छाट लेंगे उसे। सुपर बना हमारा मछली का ये जो रेसिपी है। दोस्तों थोड़ा चावल से बनता फिर आज, चावल से देखते हैं इसका स्वाद कैसा है, बताएंगे चावल के साथ आपको कैसा है स्वाद। कि जो ये मछली एकदम घुल गया मुंह में, ऐसा अनोखा स्वाद। ट्राई करिए मैं कहता हूँ, ट्राई करिए, हर वीडियो में ट्राई करिए। फाइनली दोस्तों चावल आ गया थाली में, देखते अब इसको चेक करके। लजीज, छुट्टी ऐसा होना चाहिए, छुट्टी। पहला बाइट, मजा आ रहा है चावल के साथ। ये 500 रुपये प्लेट भी कम है, इतना मस्त बना है। दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में और मैंने भी इतना उम्मीद नहीं किया था, बहुत लजीज बना, स्वादिष्ट बना। आप लोग भी घर में ट्राई करिए, अपने छुट्टी को एंजॉय करिए।
और साथ ही दोस्तों हमारे इस चैनल में ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों पसंद कर लाइक कर देना और चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका सपोर्ट आपका प्यार लाइक के साथ बनाए रखना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।